राजनीति के गिरते स्तर को देखकर मतदाता बेहद आहत नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि चुनावों को मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल सभी मर्यादाओं को लांघकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं और अपने आप को पार्टी का वफादार साबित करने के लिए वे किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं, जो सरासर गलत है। राजनीति के गिरते स्तर को देखकर मतदाता बेहद आहत नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि चुनावों को मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल सभी मर्यादाओं को लांघकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं और अपने आप को पार्टी का वफादार साबित करने के लिए वे किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दल जो देश को संभालने का दावा करते हैं, वे खुद पथभ्रष्ट हो चुके हैं। उन्हें सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। रोष प्रकट करते हुए मतदाताओं ने कहा कि आज राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि राजनेता जनता से जुड़े मुद्दों को भूलकर एक दूसरे को भला बुरा कहने और गालियां देने में व्यस्त हैं और शालीनता की सभी हदें पार कर रहे हैं, जिसके चलते कभी कभी चुनाव का बहिष्कार करने का भी मन करता है। उन्होंने कहा कि पहले भी चुनाव होते थे तो सभी दल विकास की और नई योजनाओं की बात करते थे, लेकिन आज गाली गलौच और एक दूसरे को भला बुरा कहकर ही काम सार रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे कई गौण हो चुके हैं। आज हम टीवी चैनलों पर देखते हैं कि किस प्रकार से सभी पार्टियों के राजनेता, जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका स्तर इतना गिर चुका है कि मन करता है कि इस बार वोट ना दी जाए। टीवी चैनलों उनके हम भाषण सुनते हैं तो देख के मन ही बड़ा ही अशांत हो जाता है कि किस प्रकार से उनका स्तर गिर चुका है कि एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के भी, आप, ये पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपका प्रचार जा रहा है, आप अपनी भाषा का प्रयोग ऐसे करें कि जब पूरी दुनिया देखे तो कहे कि हाँ, अभी जो भी इलेक्शन में खड़ा है उसका जो है अच्छी भाषा बोल रहे हैं। ऐसा स्तर, ऐसी भाषा का प्रयोग मत करें कि जिससे कल को आप एक दूसरे से मिलें तो आपकी नज़र नीचे हों। ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें जो राजनीतिक दलों का जो व्यवहार है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक दूसरे को जो गाली गलौज दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इसकी बजाय अगर ये विकास के मामले में कोई बात करें तो बहुत अच्छा होगा, रोजगार के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा होता। ये लोग एक दूसरे को गाली गलौज करके इसके राजनीति का स्तर बिल्कुल ही नीचे गिरा रहे हैं। इससे आम लोगों का तो बिल्कुल भला नहीं होने वाला है। मैं राजनीतिक दलों से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके इस राजनीति को सिर्फ विकास के मुद्दों पे लेके जाया जाए, यहाँ या फिर रोजगार दिया जाए जो हमारे युवा लोग हैं उनके लिए, वो काम किया जाए, ना कि एक दूसरे को गाली गलौज। पहले जो राजनीति होती थी वो मुद्दों के हिसाब से होती थी, गरीबी पर होती थी, रोजगार के ऊपर होती थी। आजकल की जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ गाली गलौज पे हो रही है। एक दूसरे को गाली निकाल कर, एक दूसरे का अपमान कर ये लोग एक दूसरे को गाली देके, इस तरह की राजनीति, इसके कोई देश का भला होने वाला नहीं है।